नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों की ग्रोथ को कैसे देखें, मतलब कैसे आप पता लगाएं कि आपके बच्चे की ग्रोथ सही से हो रही है या नहीं, समय से आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। इसको पता करने के लिए दोस्तों आपको दो चीजों पर डिपेंड होना है। देखिए, आप समझिए बात को अच्छे से, आप इस चीज को समझ लीजिए कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है, आप केवल शारीरिक ग्रोथ की मैं यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शारीरिक ग्रोथ और मानसिक ग्रोथ की। क्योंकि जितना आप शारीरिक ग्रोथ को देखते हैं उतना ही आपको मानसिक ग्रोथ को भी देखना चाहिए कि जितना बच्चा आपका शारीरिक रूप से विकास कर रहा है क्या उतना ही विकास मानसिक रूप से भी हो रहा है, इसका डिपेंड होना बहुत जरूरी है। तो शारीरिक ग्रोथ बच्चे की सही से हो रही है नहीं, इसको देखने के लिए आप क्या करते हैं, बच्चे की हाइट और वेट को देखते हैं। इसी तरह से मानसिक ग्रोथ यदि आपको बच्चे को देखना है तो उसके लिए बच्चे की हेड सरकमफेरेंस देखा जाता है। यह हेड सरकमफेरेंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उससे बच्चे के मस्तिष्क के विकास का पता चलता है। इसके अलावा मानसिक ग्रोथ का पता आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके बच्चे की स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी है, आपका बच्चा स्कूल में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, जो टीचर जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसका आंसर प्रॉपर कर रहा है, उसका अटेंशन कैसा है, उसका कंसंट्रेशन कैसा है, उसका रिटेंशन पावर कैसा है, ये सारी चीजें आपको टीचर्स के द्वारा पता चलती हैं पीटीएम में। तो दोस्तों, शारीरिक ग्रोथ की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे हाइट और वेट की, और मानसिक ग्रोथ की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे हेड सरकमफेरेंस की। लेकिन हमारा ध्यान केवल कहाँ होता है, हमारा ध्यान ना बच्चे की हाइट पर जाता है ना हेड सरकमफेरेंस पर जाता है। आप जो ध्यान देते हो केवल बच्चे के वजन के ऊपर ध्यान देते हो, क्योंकि आपका पड़ोसी आपसे बोलता है कि यार आपका बच्चा बहुत दुबला पतला लग रहा है। तो जैसे ही वो ये बोलता है, या आपको कोई रिश्तेदार आपसे बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत दुबला पतला है, और तुरंत जो है आपके दिमाग में प्रेशर फील हो जाता है और आप टेंशन लेने लगते हो। आप क्या सोचते हो कि अरे यार रियल में हमारे बच्चा बहुत दुबला पतला है, कमजोर है, कैसे इसका वजन बढ़ाएं। लेकिन आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो अपने बच्चे का वजन देख रहे हैं वो आप दूसरे बच्चे से कंपेयर बिल्कुल मत करिए। आपके बच्चे का जो वजन होगा वो आपके बच्चे के जन्म के वजन के हिसाब से होगा, ना कि दूसरे बच्चे के हिसाब से। क्योंकि बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर और दूसरा होता है न्यूट्रिशनल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मींस होता है कि यदि आपकी हाइट और आपका वेट कम है तो डेफिनेटली वो आपके बच्चे के ऊपर भी असर होगा, और आपके बच्चे का भी हाइट वेट कम हो सकता है ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है न्यूट्रिशनल फैक्टर, कि यदि आपके बच्चे को सही से पोषक तत्व नहीं मिल पाए हैं, सही से बच्चे को जो है न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिल पाई है, उसको जो प्रॉपरली ग्रोथ के लिए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट मिलना चाहिए था वो सब चीजें नहीं मिल पाया है, उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, उसके कारण बच्चे की जो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो दोनों फैक्टर होते हैं जिसको हमें देखना पड़ता है और उसके हिसाब से बच्चे की ग्रोथ डिसाइड करनी होती है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है, केवल और केवल वेट के ऊपर होता है। तो आप लोग विशेष रूप से ये ध्यान रखिए कि केवल वेट के ऊपर ध्यान मत रखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक नई चीज बताता हूं। देखिए, वेट आप बच्चे का जीवन में कभी भी बढ़ा सकते हैं या कभी भी बढ़ सकता है। हाइट जो होती है वो हमेशा मैक्सिमम 13-14 या 15 साल तक ही हाइट बढ़ती है, और जो हेड सरकमफेरेंस होती है वो केवल 5 साल तक बढ़ती है। तो आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है हेड सरकमफेरेंस बच्चे की, क्योंकि वो केवल 5 साल तक बढ़ती है। हेड सरकमफेरेंस का मतलब शायद आप कुछ लोग यदि समझ नहीं पा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। हेड सरकमफेरेंस मतलब सिर की कितनी गोलाई है, कितनी परिधि है, उसको नापा जाता है इंच टेप के द्वारा। तो जो होता है इंच टेप के द्वारा इसको नापकर हेड सरकमफेरेंस बच्चे को देखा जाता है। तो यदि आप अपने बच्चों के डॉक्टर के पास आप दिखाने जाते हैं बच्चे को, तो आप जितना वेट और हाइट पर कंसीडर करते हैं उसी तरह से आप उनसे बोलिए कि आप हमारा बच्चे का हेड सरकमफेरेंस बताइए कि ये प्रॉपरली है या नहीं है, उसकी उम्र के हिसाब से जितना हेड सरकमफेरेंस होना चाहिए वो आ रहा है या नहीं। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, क्योंकि ये 5 साल तक बढ़ना है, हाइट जो है आपकी 13-14 साल तक बढ़ना है, और वजन तो हम कभी भी आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, तभी आप कह सकेंगे कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो रही है। कहीं आपके बच्चे को बार बार सर्दी खांसी तो नहीं हो रही है, बार बार आपका बच्चा बीमार तो नहीं हो रहा है, बार बार उसको जुकाम तो नहीं हो रहा है। पता चला कि यदि जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं, बार बार सर्दी खांसी बुखार होता है, तो उन बच्चों की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपने बच्चों को कुछ अच्छे से खिलाना शुरू किया, पिलाना शुरू किया, बच्चे की वेट बढ़ना शुरू हुआ,
बच्चे का वेट बढ़ा, पता चला बच्चा फिर बीमार हो गया और फिर से उसका वेट कम हो गया। तो यदि आपका बच्चा बार बार बीमार होता है तो उससे भी बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि आपका बच्चा बार बार बीमार ना हो। और वो बीमार कब नहीं होगा? जब बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी, उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। तो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप बच्चों को स्वर्ण प्राशन जरूर कराएं। स्वर्ण प्राशन के ऊपर और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या स्वर्ण प्राशन के बेनिफिट्स हैं। और अपने बच्चों को जीवन में एक बार तो कम से कम स्वर्ण प्राशन जरूर कराएं, क्योंकि स्वर्ण प्राशन बच्चों के लिए आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा वरदान है, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है, बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ता है, उनका मानसिक विकास अच्छा होता है, बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, बच्चों का जो होता है रिटेंशन पावर बढ़ता है, उनकी मेधा शक्ति बढ़ती है, जो बच्चे याद करते हैं वो अच्छे से उनको याद हो जाता है। उसी तरह से स्वर्ण प्राशन से बच्चों का डाइजेशन भी स्ट्रांग होता है, जो बच्चे की हाइट और वेट के लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा दोस्तों बच्चों की ग्रोथ में जो हाइट वाला फैक्टर है, हाइट को बढ़ाने के लिए मैंने बहुत कुछ आसान सी जो होती है एक्सरसाइज होती है जो आप अपने बच्चों को करा सकते हैं, उससे भी बच्चे की हाइट अच्छी बढ़ती है, बच्चे की ग्रोथ होती है। जैसे सिंपल सी 2-3-4 एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, कि सबसे पहला है कि बच्चे को आपको जो होता है लटकवाना है, अपने घर में कहीं भी एक जगह बना लीजिए, उसमें बच्चे को लटकवाइए। आपके घर में जगह नहीं बन पा रही है तो सामने पार्क है, पार्क में देखिए, वहां पर सुबह शाम बच्चे को जरूर लटकवाना शुरू कीजिए, क्योंकि लटकने से बच्चे की हाइट अच्छे से बढ़ती है। इसी तरह से आप बच्चों को ताड़ासन करवाएं, जिसमें पंजों के बल खड़े होकर अपने हाथों को पूरा ऊपर से अच्छे से खींचना होता है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं ताड़ासन का, वो करवाएं, उससे बच्चे की हाइट बढ़ती है। बच्चे को रस्सी कूद करवाएं और स्विमिंग करवाएं, और कुछ बच्चे जिनको जो है साइकिलिंग करवाएं, तो ये सारी चीजें करने से भी बच्चों की हाइट बढ़ती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप बच्चे की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो केवल आप वेट के ऊपर चर्चा नहीं करें, आप वेट देखें, बच्चे का हाइट देखें और उसका मानसिक विकास के लिए उसका हेड सरकमफेरेंस भी देखें। ये सारी चीजें आपको देखना है और अपने बच्चे की ग्रोथ को डिसाइड करना है कि क्या हमारे बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं। जय आयुर्वेद।